Hello everyone, in this lecture onwards I'll be starting with Linux practical. I'll try to complete as soon as possible all the practicals. So this is Professor Tiruk Parmar. This is something basic about me. If you have any doubt or query, you can ping me on this particular email ID, or you can write your comments or your doubts in comment section as well. So let's start with our practical. Hello everyone, so this is the second lecture in a series. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कमांड्स. अभी बेसिक कमांड्स कुछ भी परफॉर्म करने के पहले हम लोगों को रेडिट का ISO फाइल या CD जो है वो हम लोगों को लिनक्स के अंदर रेडिट 6 के अंदर भी माउंट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ टू माउंट अ CD. सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे VM के अंदर. रिमेंबर VM टैब के अंदर, देन इन VM टैब हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा रिमूवेबल डिवाइसेस का. अंडर दैट CD DVD एंड देन गो टू सेटिंग्स. सेटिंग में जाके हम लोग को यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी ISO चूज किया हुआ है यहाँ पे. सो व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ पे जो ISO सिलेक्ट किया था हम लोगों ने जब भी हम लोग इंस्टॉल किया, वो सेम हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. सो एज सून एज आई कनेक्ट, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों का वो जो CD है वो यहाँ पे विजिबल हो गया. नाउ इसमें से कुछ पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को वी हैव टू स्टार्ट अ टर्मिनल. जैसे हम लोग विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, वैसे यहाँ पे टर्मिनल स्टार्ट करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे सिस्टम टूल्स में टर्मिनल, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन इट एंड लॉन्च इट टू डेस्कटॉप, सो दैट हर बार आपको इतना अंदर ना जाना पड़े. सो यहाँ से मैं अभी टर्मिनल ऑन करता हूँ और इसके अंदर हम लोग कोई बेसिक कमांड्स जो है वो ट्राई करेंगे. सो आई होप ये टर्मिनल जो है वो विजिबल है आपको. Now let's start performing a basic practical, basic commands. Practicals जो है वो मैं इसके बाद वाले lecture से start करूँगा. Because basic command is very much necessary. अगर basic commands आपको पता नहीं है तो practical perform करने में बहुत ज़्यादा difficulty होगा. तो first जो command हम लोग try करेंगे वो command है who am I. So basically यहाँ पे वो बता रहा है कि currently मैं कौन सा user हूँ. What command I tried here? Who am I? ये आपको यूजर नेम बताएगा, आप करंटली कौन से यूजर से लॉग्ड इन हो वो बताएगा. और एल्स आपको यहाँ पे टर्मिनल पे भी पता चलता है. देखिए यहाँ पे रूट आ रहा है ना, रूट एट लोकल होस्ट, मीन्स आप रूट यूजर से लॉग इन हो. या फिर आपको यहाँ पे कॉर्नर पे भी बताएगा दैट यू आर इन लॉग्ड इन फ्रॉम विच यूजर. आई होप इट इज क्लियर. तो फर्स्ट ये कमांड है. नेक्स्ट जो कमांड है वो है होस्ट नेम. नाउ ये जो है ये आपके कंप्यूटर का नाम बताएगा. दिस डिस्प्लेस द होस्ट नेम सेट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जब भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब इंस्टॉलेशन देखा लिनक्स का, तो वो टाइम पे हम लोगों ने ये सेम नाम बाय डिफॉल्ट जो दिया था वो सेम नाम हम लोगों ने वहां पे अप्लाई किया था. आप चाहिए तो इसको चेंज भी कर सकते हो. आगे हम लोग देखेंगे कैसे चेंज करना है. उसके साथ नेक्स्ट जो कमांड है वो है PWD. PWD स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर. तो आप करंटली कौन से फोल्डर पे हो ये वो आपको बताएगा. उसके बाद डेट जो है ये आपको सिस्टम डेट बता रहा है. मेरे कंप्यूटर में फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना डेट बता रहा है. सेम वे हम लोग के कंप्यूटर में सिस्टम डेट क्या है वो डिस्प्ले करता है. तो यहाँ पे वो बता रहा है वेनसडे सेप्टेम्बर 6 और टाइम भी बता रहा है IST के हिसाब से. एंड इफ यू टाइप क्लियर तो ये क्या करेगा, हम लोगों का जो टर्मिनल है उसको क्लियर कर देगा. यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करेगा. रिमेंबर उसने डिलीट नहीं किया है, ये सब कुछ जो है वो ऊपर चले गया और यहाँ पे आपका स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गया. यू कैन राइट अदर कमांड्स एज वेल. एंड और एक कमांड होता है दैट इज हिस्ट्री. तो ये जो कमांड है ये आपने अब तक क्या क्या कमांड्स टाइप की है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और टर्मिनल पे, ये उसका हिस्ट्री बताएगा. आई होप ये बेसिक कमांड्स क्लियर है. अभी नेक्स्ट जो कमांड हम लोग चेक करेंगे वो है CD कमांड. अभी CD कमांड जो है, CD कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. चेंज डायरेक्टरी मीन्स एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाना है अगर आपको, तो वो टाइम पे हम लोग CD कमांड यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दैट कमांड. एंड वन मोर थिंग, आपको अगर कोई भी कमांड का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले एक बेसिक कमांड आपको पता होना चाहिए, दैट इज मैन कमांड. इट इज मैनुअल. सो हम लोग मैन कमांड लिखेंगे और उसके बाद जो भी कमांड का आपको मैनुअल चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन CD. तो ये क्या करेगा, चेंज डायरेक्टरी वाला जो कमांड है वो कमांड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताएगा. और आपको अगर ये मैनुअल में से बाहर आना है तो जस्ट प्रेस Q. अभी CD कमांड जो है, CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी, ये कमांड हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जा सकते हैं. और
सीडी डॉट डॉट कमांड अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग एक डायरेक्टरी में से बाहर आ सकते हैं, एक लेवल नीचे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर होम डायरेक्टरी में जाना है तो मैं लिखूंगा सीडी होम, तो देखिए मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी में आ गया। अगर आपको ये डायरेक्टरी से बाहर आना है तो वी हैव टू टाइप सीडी स्पेस डॉट डॉट, तो हम लोग वो डायरेक्टरी से बाहर आ गए। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको रूट डायरेक्टरी में जाना है तो एज यू कैन सी मैं ऑलरेडी रूट डायरेक्टरी में हूँ, और अगर मुझे चेक करना है मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ फिलहाल, आई जस्ट टाइप PWD, दैट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो क्या बता रहा है, करंटली आई एम इन अ रूट डायरेक्टरी। आपको अगर बाहर आना है ये डायरेक्टरी से, सो जस्ट टाइप cd डॉट डॉट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो कमांड है वो है ls कमांड, सॉरी सो मैं उसका फर्स्ट मैनुअल ओपन करता हूँ। ls stands for list कमांड, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ls means list directory contained, एक डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर कौन से फाइल्स है ये उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, और यहाँ पे उसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस है, तो इसमें से जो हम लोगों को काम के ऑप्शंस है वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली वो सेम जो ऑप्शंस मैं यूज कर रहा हूँ उसका कंटेंट या उसका थियरी आपको यहाँ से मिल जाएगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो सबसे पहले जो हम लोग लिस्ट करेंगे, सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे होम डायरेक्टरी के अंदर। मैं होम डायरेक्टरी में गया, अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls माइनस l हाइफन l और माइनस l वॉट एवर यू कैन सी, सो यहाँ पे ये देखो क्या बता रहा है ls हाइफन l, तो ये जो l है ना लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरीज, l मीन्स क्या लॉन्ग लिस्टिंग मीन्स आपको यहाँ पे सबसे पहले बताएगा कौन सा डायरेक्टरी है, उसके ऊपर क्या परमिशंस है, फिर कौन यूजर है उसका, कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, क्या साइज है, टाइम है, कौन सा नाम का डायरेक्टरी है। तो मेरा जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर और एक डायरेक्टरी है, अगर मैं सिर्फ ls लिखूंगा आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है तिरु। नाउ रिमेंबर ये नाम का हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूजर बनाया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो जब भी आपको एक यूजर बनाते हो उसका बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्टरी या उसका एक डेटाबेस जो है वो होम डायरेक्टरी के अंदर भी क्रिएट हो जाता है। मीन्स अभी यूजर तिरुप यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन करके जो भी फाइल्स या डायरेक्टरीज बनाएगा या जो भी ऑपरेशंस करेगा वो सब कुछ हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, उसके ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ही। तो दिस इज कॉल्ड एज यूजर्स डेटाबेस, और ये कहाँ पे बनता है, होम के अंदर। जो भी नाम का आप यूजर बनाओगे उसके नाम का यहाँ पे डायरेक्टरी भी बन जाता है। सो ls माइनस l मीन्स लॉन्ग लिस्टिंग, लॉन्ग लिस्टिंग के अंदर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको वो बता रहा है d आ रहा है, एज यू कैन सी d आ रहा है। सो डी मीन्स अगर स्टार्टिंग में डी आ रहा है मीन्स ये क्या है, डायरेक्टरी है, कौन सा जो या नाम यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में। देन उसके बाद आ रहा है आर डब्ल्यू एक्स फर्स्ट थ्री लेटर्स, ये फर्स्ट थ्री लेटर्स जो है आर डब्ल्यू एक्स स्टैंड्स फॉर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तो फर्स्ट जो यूजर है फर्स्ट थ्री लेटर डिफाइंस यूजर मीन्स ओनर, देन तो जो ओनर या जो यूजर है जो ओनर है ये डायरेक्टरी का उसको तीनों परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट। उसके बाद वाले जो तीन प्लेसेस है इसके ऊपर अगर आर डब्ल्यू एक्स रहेगा मीन्स ग्रुप को भी रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हाइफन है मीन्स ओनर को सिर्फ रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, ग्रुप को कोई भी परमिशन नहीं है ये बता रहा है। और लास्ट के जो तीन ब्लॉक्स है ये डिफाइन करते हैं हम लोगों का अदर्स या पब्लिक को क्या परमिशन है। तो ये जो मेरा डायरेक्टरी है तिरुप वाला उसके ऊपर ग्रुप को एंड अदर्स या पब्लिक को कोई परमिशन नहीं है। फर्स्ट ये जो है ये डिफाइन करता है यूजर नेम कौन सा है एंड वो जो यूजर है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, उसके आगे डेट फाइल। आई थिंक इट्स सिंपल। नाउ नेक्स्ट कमांड ट्राई करते हैं ls के अंदर ही, तो ls के अंदर नेक्स्ट जो कमांड है वो है ls माइनस a। नाउ रिमेंबर ये जो माइनस a है ना ये आपको हिडन फाइल्स भी डिस्प्ले करता है। देखो यहाँ पे ये दो हिडन डायरेक्टरीज है, कौन सा, एक सिंगल डॉट एंड दूसरा डबल डॉट वाला। सो ls माइनस a लिस्टिंग ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। उसके बाद जो है ना वो आता है ls कमांड के अंदर ही हम लोग दूसरा जो है वो यूज करेंगे। जस्ट वन सेकेंड। ओके सो एज यू कैन सी हियर मैंने थोड़े कमांड्स आपको बता दिए, थोड़े हम लोग डायरेक्टली यहां से रिफर कर लेते हैं, आगे प्रैक्टिकल्स में हम लोग यूज करेंगे। सो ls माइनस l क्या करेगा, लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरीज। ls माइनस a क्या करेगा, लिस्टिंग ऑफ ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। देन अगर यहाँ पे हम लोग ls even लिखते हैं, सो लिस्ट द स्पेसिफिक फाइल्स लिस्टेड, फॉर एग्जाम्पल even नाम का फाइल आपको बताएगा। देन आपको e नाम से स्टार्ट होने वाले फाइल्स अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हम लोग ls and e star लिखते हैं। सो एज यू कैन सी लिस्ट द फाइल्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट e। देन ls e question mark मीन्स यूजेस ओनली वन कैरेक्टर आफ्टर फाइल नेम स्टार्टिंग विद e।
देन सेम वे डबल क्वेश्चन मार्क एंड ये सेम. आई होप ये क्लियर है, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड जो है वो ट्राई करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कमांड. सो नेक्स्ट जो कमांड है वो हम लोग यूज करेंगे, दैट इज एम के डी आई आर कमांड. एम के डी आई आर स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी. तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं ये कमांड के थ्रू, या सिंगल डायरेक्टरी भी बना सकते हैं. तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ बी एस सी आई टी. चेक करते हैं ls. देखो यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी बन गया बी एस सी आई टी. आपको मल्टीपल डायरेक्टरी बनाने हैं तो सपोज अभी मैं बी एस सी आई टी के अंदर वापस तीन सब डायरेक्टरीज बनाता हूँ. तो आई जस्ट गो टू सी डी बी एस सी आई टी डायरेक्टरी के अंदर. यहाँ पे मैं मल्टीपल डायरेक्टरी बनाऊंगा एम के डी आई आर एफ वाई आई टी स्पेस एस वाई आई टी स्पेस टी वाई आई टी. रिमेंबर स्पेस कंसिडर्ड टू बी एज अ न्यू कमांड. तो यहाँ पे जैसे जब भी हम लोग स्पेस देंगे लिनक्स उसको न्यू कमांड कंसिडर करेगा, और जितने बार आपने स्पेस दिए उतने न्यू डायरेक्टरीज क्रिएट करेगा. तो अभी यहाँ पे मैंने मेक डायरेक्टरी कमांड यूज किया. कितने डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए? थ्री डायरेक्टरीज. जस्ट प्रेस एंटर एंड चेक करते अभी बने कि नहीं. एल एस टाइप करो. सो एज यू कैन सी यहाँ पे तीन डायरेक्टरीज बन गए, वन विद द नेम एफ वाई एस वाई एंड टी वाई. अभी ये डायरेक्टरीज के अंदर एक प्रैक्टिकल सिंपल सा ट्राई करेंगे, और ये जो डायरेक्टरीज है इसके अंदर हम लोग फाइल्स बनाएंगे, और वो फाइल्स जो है वो हम लोग डिफरेंट कमांड्स के थ्रू बनाएंगे. सो लेट्स सी यहाँ पे हम लोग फाइल्स बनाएंगे अभी. सो सबसे पहले एफ आई के अंदर मैं वापस दो सब डायरेक्टरीज बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम वन एंड सेम टू. सो लेट्स ट्राई. स्टार्ट करते हैं विद मेकिंग ऑफ फ्यू फाइल्स. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ बी एस सी आई टी के अंदर जाएंगे एफ आई के अंदर. सो सी डी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी. आई टाइप एफ आई आई टी. इसके अंदर अभी हम लोग दो डायरेक्टरीज बनाएंगे वापस, सेम वन एंड सेम टू. अभी सेम वन एंड सेम टू के अंदर वापस अभी हम लोग थोड़े बहुत फाइल्स बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू सेम वन और उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज हम लोग फाइल बनाएंगे. और ये फाइल बनाने के लिए हम लोग हर एक बार अलग अलग कमांड्स यूज करेंगे, और जो वो कमांड्स जो है वो आगे भी आपको काम में आएंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट मैं सेम वन के अंदर गया. यहाँ पे मैं फर्स्ट फाइल आई विल क्रिएट यूजिंग अ कैट कमांड. रिमेंबर कैट कमांड जो है इट इज स्टैंड्स फॉर कॉन्केटिनेशन. तो हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं कैट कमांड के थ्रू फ्रॉम टर्मिनल इटसेल्फ, या दो फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर उसके कंटेंट, कोई फाइल के कंटेंट भी हम लोग चेक कर सकते हैं फ्रॉम टर्मिनल. सो जैसे सेम वन के अंदर हम लोग को एक सब्जेक्ट है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ विद द नेम ऑपरेटिंग सिस्टम. एज यू कैन सी पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया. अभी यहाँ पे मैं कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ. दिस इज फर्स्ट फाइल यूजिंग कैट कमांड. और जब भी आपको उसको सेव करना है यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस डी. रिमेंबर टू सेव फाइल क्या करेंगे हम लोग? वी हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस डी. ये आपका कमांड है. तो मैं अभी कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूं. कंट्रोल प्लस डी. एज यू कैन सी सेव हो गया कंटेंट. अभी आपको अगर चेक करना है वो फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, तो हम लोग लिखेंगे सी डी एंड फाइल नेम. सो एज यू कैन सी जो फाइल कंटेंट हम लोगों ने लिखे थे वो सेम कंटेंट आपको यहां पे बता रहा है. इसके बाद अगर आपको वो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है ये फाइल में, इसको अगर मॉडिफाई करना है या उसमें कुछ न्यू कंटेंट ऐड करना है, तो डबल ग्रेटर देन साइन डालने का ऑन फाइल नेम. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओएस जो फाइल है इसके अंदर आई एम एडिंग न्यू लाइन कंट्रोल प्लस डी कैट ओएस. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यू एक लाइन ऐड किया वो भी यहाँ पे ऐड हो गया. आई होप इट इज क्लियर. प्लस इसके साथ हम लोग और एक फाइल बनाएंगे यूजिंग कैट कमांड. तो यहाँ पे मैं और एक फाइल बनाता हूँ. लेट सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स. दिस इज सेकेंड फाइल यूजिंग कैट कमांड. कंट्रोल प्लस डी सेव कर दिया. एल एस करते हैं. देखो यहाँ पे दो फाइल्स हम लोगों ने बना दिए हैं. किसके अंदर? सेम वन डायरेक्टरी के अंदर सी एस एन ओ एस. अभी ये दो फाइल के कंटेंट अगर मर्ज करने हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैट ग्रेटर देन साइन और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ एस एंड सी एस. सो लेट्स सी. अभी मैं कैट ओ एस करता हूँ. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैट ओ एस में क्या आया? दिस इज सेकेंड फाइल यूजिंग कैट कमांड. तो क्या हो गया? एक फाइल के कंटेंट जो है वो सेकेंड फाइल में ऐड हो गया. आई होप ये जो भी मैंने बोला वो क्लियर है. तो कैट स्टैंड्स फॉर कॉन्केटिनेशन कमांड. इसके थ्रू हम लोग फाइल्स बना सकते हैं.
तो और एक दो फाइल्स बना के ट्राई करते हैं। सो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। नाउ लेट्स ट्राई नेक्स्ट कमांड, कैट ग्रेटर देन साइन सब्जेक्ट 3 सेम 1 सब्जेक्ट 3, इसके अंदर दिस इज थर्ड फाइल, कंट्रोल डी। सेम वे अभी हम लोग फोर्थ फाइल बनाएंगे, सब्जेक्ट 4, दिस इज फोर्थ फाइल, कंट्रोल डी। सेम वे फिफ्थ फाइल, बिकॉज वी हैव 5 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर, सो यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बना दिया, कुछ भी मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, कंट्रोल प्लस डी। सो मैं फाइल से बाहर आ गया, लेट्स सी ls। सो यहाँ पे 5 फाइल्स जो है वो क्रिएट हो गए, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम 1 से बाहर आएंगे और सेम 2 के अंदर हम लोग फाइल्स बनाएंगे। तो अभी मैं जाऊँगा F5 के अंदर सेम 2 में, और आपको अगर आपका लोकेशन चेक करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, PWD कमांड। PWD स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो ये देखो मेरा लोकेशन बता रहा है मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, होम के अंदर BSCIT FIIT उसके अंदर सेम 2। सो लेट्स क्रिएट फाइल्स इन सेम 2। सो यहाँ पे मैं अभी जो फाइल्स क्रिएट करूंगा ना वो मैं करूंगा यूजिंग टच कमांड। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कमांड वी यूज टू क्रिएट मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल ब्लैंक फाइल्स या मल्टीपल 0 byte फाइल एट द सेम टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। तो मैंने 5 फाइल एक साथ बना दी, एज यू कैन सी। सो हम लोगों का जो सेम 2 है उसके अंदर भी 5 फाइल्स जो है वो एक साथ बन गए, ls के थ्रू हम लोगों ने लिस्ट किए और 5 फाइल दिख रहे। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेम 1 के अंदर 5 फाइल्स बना दिए मैंने, सेम 2 के अंदर बना दिए। अभी सेम थ्री किसके अंदर आता है, SYBSCIT में। तो अभी मैं वापस FIIT से बाहर आया, BSCIT के अंदर आया जिसके अंदर 3 डायरेक्टरीज है, FI SY TY। अभी मैं जाऊंगा SYIT में, और SYIT के अंदर अभी मैं 3 डायरेक्टरीज बनाऊंगा, SEM3 एंड SEM4। अभी हम लोगों को SEM3 के अंदर क्या करेंगे, 5 फाइल्स बनाएंगे 5 अलग अलग सब्जेक्ट के। अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा कमांड यूज करेंगे, सपोज आई यूज VI कमांड। रिमेंबर VI जो है वो क्या है, VI मीन्स एक विजुअल एडिटर है, जैसे हम लोग के पास नोटपैड होता है विंडोज में, वैसे ही यहाँ पे VI है। तो हम लोग ये जो VI है ना ये यूज करेंगे, उसके अंदर कौन से डिफरेंट ऑप्शन है वो चेक करेंगे। सो लेट्स ट्राई विद VI। सो VI स्पेस हम लोग फाइल नेम लिखेंगे, तो सपोज मैं लिखता हूँ SEM3 सब्जेक्ट 1, ये मेरा फाइल नेम है .txt। ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप VI कमांड से कोई भी फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कौन से टाइप का फाइल है वो बताएगा, और उसके साथ उसका एक्सटेंशन आएगा। एज यू कैन सी न्यू फाइल बता रहा है, कितने नंबर ऑफ लाइंस है कुछ भी नहीं है। आप अभी यहाँ पे अगर आपको कंटेंट ऐड करना है तो आपको ये जो VI है उसका इंसर्ट मोड एक्टिवेट करना पड़ता है, और इंसर्ट मोड हम लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे, आई प्रेस करके। आई मीन्स आई स्टैंड्स फॉर आई फॉर इंडिया, आई प्रेस करेंगे, या फिर ए प्रेस करेंगे, ए फॉर एप्पल, या फिर ओ प्रेस करेंगे, ओ फॉर ऑरेंज। तो ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन प्रेस करके आप इंसर्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हो। सो लेट्स प्रेस आई। सो एज यू कैन सी जैसे ही मैं आई प्रेस करूंगा यहाँ पे नीचे इंसर्ट मोड बताएगा मुझे, और उसके बाद आप ये फाइल में कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट फाइल यूजिंग VI एडिटर, और उसके बाद जब भी आपको सेव करना है इसको, रिमेंबर व्हेन यू वांट टू सेव द कंटेंट ऑफ दिस फाइल, तो आपको इंसर्ट मोड में से बाहर आके कमांड मोड में आना पड़ता है। रिमेंबर कहाँ पे आना पड़ेगा आपको, कमांड मोड पे। तो कमांड मोड पे कैसे आते हैं, बाय प्रेसिंग एस्केप। रिमेंबर वी हैव टू प्रेस एस्केप की, प्रेस एस्केप की। तो जैसे ही हम लोग एस्केप प्रेस करेंगे यहां से जो नीचे इंसर्ट है वो चले जाएगा। लेट्स सी, एस्केप प्रेस किया मैंने, सो एज यू कैन सी यहाँ पे नीचे जो इंसर्ट था वो चले गया। और अभी हम लोग यहाँ पे कोलन टाइप करेंगे, और उसके बाद हम लोग कमांड लिखेंगे W, रिमेंबर W फॉर सेव एंड Q फॉर क्विट। सो WQ कोलन WQ एंड प्रेस एंटर। तो जैसे ही हम लोग ये एंटर प्रेस करेंगे एज यू कैन सी क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों का जो फाइल है एक क्रिएट हो गया यूजिंग VI एडिटर। अभी हम लोग दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे यूजिंग VI एडिटर ओनली। आई होप आपको ये क्लियर है, बिकॉज आगे बहुत सारे जगह पे हम लोग ये सेम कमांड यूज करने वाले हैं, VI एंड VIM। सो यहाँ पे मैं फिलहाल आपको VI के थ्रू ही बता रहा हूँ,
अभी यहाँ पे हम लोग BI के थ्रू और भी बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जो हम लोग कमांड यूज करेंगे वो हम लोग फाइल बनाएंगे यूजिंग विम। तो sem3subject2.txt। अभी यहाँ पे अगर विम एंड वी आई एडिटर अगर आप देखोगे, बोथ लुक्स वेरी सिमिलर। डिफरेंस इज ओनली कि जब भी हम लोग विम के अंदर, अगर मैं सपोज मैं C++ या जावा या HTML कोई फाइल ओपन करूँगा विम के अंदर, VIM ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग जैसे कलर में दिखता है ना, क्लास प्रिंट एफ स्कैन एफ या सी आउट सी, वैसा आपको कलर में कोड दिखेगा। एंड VI के अंदर वो सेम ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। सो VI एंड विम टेक्स्ट एडिटर के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एक के अंदर कंटेंट जो है वो कलरफुल आता है और एक के अंदर जो कंटेंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट आता है। सो मैंने एक फाइल न्यू ओपन किया, इसके अंदर अगर कंटेंट ऐड करने दो, इंसर्ट प्रेस करेंगे, देन दिस इज सेकेंड फाइल यूजिंग विम एडिटर और नाउ प्रेस एस्केप की टू एक्टिवेट कमांड मोड। सो लेट्स प्रेस एस्केप। सो जैसे ही मैं एस्केप प्रेस करूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पे मैं एस्केप प्रेस करूंगा, सो क्या होगा, अभी हम लोगों का यहाँ पे वो कौन से मोड पे आ गया, कमांड मोड, एंड देन कोलन WQ, सेव एंड क्विट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग ट्राई करेंगे, सो मैंने आपको ये जो भी कमांड से ये सब बता दिए, आई होप ये आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया। ऐसे हम लोग sem3 के अंदर भी बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी बाकी के फाइल्स बना देता हूँ, subject3, subject4 एंड subject5। लेट्स सी, तो sem3 के अंदर भी 5 फाइल बन गए। अभी हम लोग बाहर आएंगे, अभी जाएंगे हम लोग sem4 के अंदर, सॉरी cd space sem4, और इसके अंदर अभी मैं वापस 5 फाइल बनाऊंगा। तो टच कमांड जो है सबसे फास्ट फाइल्स बनाता है, तो आपको समझा वैसे आप कंटेंट ऐड कर दो इसमें। सो मैंने sem4 के अंदर भी 5 फाइल्स बना दिए, सेम वे अभी मैं बाहर आऊंगा cd ... अभी ty के अंदर हम लोग फाइल्स बनाएंगे। सो bacit के अंदर आ गया, अभी हम लोग जाएंगे tyit के अंदर, यहाँ पे मैं दो डायरेक्टरीज बनाऊंगा mkdir, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे sem5 sem6। यहाँ पे मैं अभी sem5 के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं टच कमांड के थ्रू आई क्रिएट 5 सब्जेक्ट फाइल। सेम वे अभी मैं sem5 से बाहर आके sem6 के अंदर आई क्रिएट 5 फाइल्स, सो यूजिंग टच कमांड, फॉर एग्जांपल subject1 subject2 subject3 subject4 एंड subject5। आई होप ये जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर है। अभी हम लोग sem6 से बाहर आता हूँ, tyit से बाहर आता हूँ, bacit के अंदर हूँ। एक कमांड है ट्री, जिसके थ्रू हम लोगों को लिस्ट होता है, ये जो भी फाइल्स या सब फाइल्स बनाए उस हम लोगों ने वो डायरेक्टरी में, वो सारे आपको लिस्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल देखो क्या बता रहा है, कमांड नॉट फाउंड। क्यों? बिकॉज उसका पैकेज या सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको CD पे जाना है, वहाँ पे पैकेजेस वाले फोल्डर में जाना है, उसके अंदर यू जस्ट नीड टू टाइप ट्री और आपको यहाँ पे एक पैकेज सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, आपको इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है, तो कंटिन्यू एनीवे एंड आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन इंस्टॉल, और यहाँ पे ये पैकेज या सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया उसने। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट और 30 सेकेंड। सो यहाँ पे वो सेम जो है वो इंस्टॉल कर रहा है, एंड वंस इंस्टॉलेशन इज डन, ये जो कमांड हम लोगों का यहाँ पे नॉट रिकग्नाइज आ रहा था वो अभी रिकग्नाइज हो जाएगा। सो लेट्स सी, सो एज यू कैन सी इंस्टॉलेशन इज डन। तो स्टार्टिंग में जब भी मैंने ट्री कमांड टाइप किया था तो वो कमांड नॉट फाउंड आ रहा था, अभी मैं सेम कमांड वापस ट्राई करता हूँ। एज यू कैन सी अभी क्या किया उसने, मुझे बताया कि जो bacit है, bacit डायरेक्टरी के अंदर कौन से डायरेक्टरीज है, fi है, उसके अंदर वापस 2 सब डायरेक्टरीज है, sem1 sem2, और उसके अंदर वापस पर्टिकुलर फाइल्स है। सेम वे syit, उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज है सब और फाइल्स है। सेम वे ty, उसके अंदर डायरेक्टरीज एंड फाइल्स है। आई होप ये जो मैंने बेसिक आपको कमांड वाला प्रैक्टिकल बताया ये क्लियर है, और ये जस्ट टू वर्क विद इट मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट कमांड अभी हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है वो है cp कमांड। cp स्टैंड्स फॉर कॉपी।
तो आपको एक फाइल दूसरे फाइल में अगर कॉपी करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी कमांड। सो सबसे पहले हम लोग कोई एक डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर कोई फाइल कॉपी करते हैं। तो मैं सपोज जाता हूँ FIIT के अंदर, लिस्ट करते हैं, बहुत सारे फाइल्स हैं यहाँ पे, सॉरी इसके अंदर भी सेम वन में जाते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं CSOS, है ना, चेक करते हैं। सो दिस इज माई OS फाइल, इसके अंदर क्या है, कुछ तो एक लाइन लिखा हुआ। अगर आपको इसको कोई न्यू फाइल में कॉपी करना है तो हम लोग लिखेंगे CP कॉपी OS फाइल, किस में पेस्ट करेंगे, कॉपी OS वाले फाइल में। सो देखो यहाँ पे मैंने CP कमांड यूज किया, कॉपी फाइल स्पेसिफाई किया कौन सा फाइल कॉपी करना है और कौन से फाइल में कॉपी करना है उसका नाम बता, एंड जस्ट प्रेस एंटर। LS करते हैं, देखो यहाँ पे और एक फाइल आ गया कॉपी OS। अभी ये फाइल चेक करते हैं, कैट कमांड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, कैट कॉपी OS। सो जो कंटेंट OS वाले फाइल में थे वो उसके कॉपी में आ गए। सो आई होप ये क्लियर है CP कमांड। नाउ नेक्स्ट जो कमांड है वो है MV कमांड और मूव कमांड। रिमेंबर टर्मिनल से हम लोग कोई फाइल को रीनेम नहीं कर सकते। आपको अगर कट पेस्ट करना है या रीनेम करना है कोई फाइल को तो हम लोग MV कमांड यूज करते हैं। सो जैसे यहाँ पे ये कॉपी OS है ना, तो उसकी जगह पे मुझे क्या करना है, न्यू OS करना है ये फाइल को। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉपी OS टू न्यू OS। तो ये जो फाइल का नाम है वो चेंज हो गया, मूव हो गया। यू कैन से कि ये एक फाइल से कंटेंट कट हो गए, ये फाइल में पेस्ट हो गए, या फिर ये फाइल का रीनेम हो गया, आप दोनों बोल सकते हो। रिमेंबर सो यहाँ पे देखो अभी जो कॉपी OS है वो नाम का फाइल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, उसके जगह पे कौन सा आ गया, न्यू OS वाला फाइल आ गया। और उसके अंदर अगर आप कंटेंट चेक करोगे सेम ओल्ड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। आई होप ये भी पर्टिकुलर कमांड जो है वो क्लियर है। और इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो हम लोग बाद में जब भी प्रैक्टिकल करेंगे वन बाय वन चेक करेंगे। देन आता है RM कमांड, RM मीन्स रिमूव। तो आपको अगर कोई फाइल रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अभी मैंने जो न्यू OS बनाया ये फाइल मुझे रिमूव करना है। सो आपको देखो क्या बना रहा है, रेगुलर फाइल OS, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस रिमूव इट। और अभी अगर मैं लिस्ट करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे वो जो न्यू OS वाला फाइल था वो डिलीट हो गया। रिमूव मीन्स क्या, डिलीट करना। सेम वे अगर आपको कोई डायरेक्टरी अगर डिलीट करना है, सो सबसे पहले हम लोग CSID के अंदर आता है। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ MKDIR टेम्पररी डायरेक्टरी, ये मैंने नाम दिया। अभी अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो हम लोग लिखेंगे RMDIR, एंड सबसे पहले चेक करते हैं वो डायरेक्टरी बना कि नहीं। एज यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्टरी दिख रहा है हम लोगों को, ये डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं RMDIR टेम्पररी डायरेक्टरी, और ये डिलीट हो गया। लेट्स सी, एज यू कैन सी वो डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो गया। तो RM क्यों यूज करते हैं, फाइल डिलीट करने के लिए, RMDIR डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए। सो ये बेसिक कमांड नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया, आई होप ये भी क्लियर है अभी आपको। नाउ उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो यूज करेंगे वो कमांड है नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं, हाँ अगर आपको IP एड्रेस चेंज करना है, सो IP एड्रेस ओके ये हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम पे मैं वन बाय वन आपको बता दूंगा बिकॉज बहुत सिंपल है। सो अभी हम लोग जो है डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं हम लोगों का लेक्चर में। और हाँ वन मोर थिंग, आपको अगर ये जो है ना, ये हम लोगों का जहाँ पे आपको GUI दिख रहा है मीन्स कंप्यूटर आइकन्स दिख रहे हैं, मैं जैसे हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया फॉर एग्जांपल, वो हम लोगों ने डबल क्लिक करके किया, आपने कोई कमांड नहीं लिखा है। आपको अगर न्यू यूजर क्रिएट करना है आप यहाँ पे सिस्टम में जाके एडमिन में जाओगे, यूजर्स एंड ग्रुप में जाके आप एक न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज GUI। तो यहाँ पे हम लोग जो लिनक्स यूज करते हैं उसके अंदर रन लेवल्स होते हैं, और जिसमें से करंटली हम लोग जो है ना वो है, हम लोग रन लेवल 5 के ऊपर है, और दो रन लेवल्स होते हैं। ओके फर्स्ट जो है वो होता है रन लेवल 3, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है रन लेवल 5। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी एक रन लेवल पे सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, init कमांड यूज करके, init मीन्स इनिशियलाइजेशन, और आगे मैं लिखूंगा सेट इट ऑन रन लेवल 3 मीन्स आपको GUI नहीं आएगा, सिर्फ टर्मिनल आएगा। सो लेट्स सी init 3। सो देखो यहाँ पे अभी जैसे ही मैंने init 3 टाइप किया, लॉगिन पूछ रहा है मुझे, localhost लॉगिन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज रूट पासवर्ड लिखते हैं red dead 6,
सो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई जो GUI है वो नहीं दिख रहा है जैसे प्रीवियस वर्जन में, प्रीवियस रन लेवल पे दिख रहा था। वाई? बिकॉज अभी हम लोग कमांड मोड पे है। कमांड मोड पे मीन्स आपको जो भी कुछ काम करना है अभी वो कमांड से ही करना पड़ेगा। आपको अगर वापस वो रन लेवल पे जाना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे init 5, तो हम लोग वापस प्रीवियस GUI वाले रन लेवल पे वापस आ जाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे वो लॉगिन पूछ रहा है, तो मैंने लॉगिन कर दिया एंड वापस जो प्रीवियस रन लेवल थे उसके ऊपर हम लोग आ गए। आई होप ये बहुत सिंपल है एंड क्लियर है आपको। सो ये हम लोगों ने जो बेसिक कमांड्स देखने थे ये हम लोगों ने देख लिए, डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर रहेगा जिसके अंदर मैं आपको और भी बाकी के कमांड्स बताऊंगा, और जैसे प्रैक्टिकल्स हम लोग करते जाएंगे ना वैसे और एक आगे के जो कमांड्स है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। सो आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर है आपको। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ इशू है तो आप मैंने जो इंट्रोडक्शन में ईमेल आईडी बताया उसके ऊपर या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स में भी अपना डाउट लिख सकते हो। सो जब भी मुझे जितना जल्दी टाइम मिलेगा उतना जल्दी मैं आपको रिवर्ट या रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।